नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला इमला की एक नई श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा विषय इमला है, उसके अंतर्गत एक स्टोरी का इमला हम आपको बोलेंगे। और बहुत अच्छी स्टोरी है, और आज की स्टोरी का नाम है प्यासा कौवा। तो चलिए, लेकिन इसमें जुड़ने से पहले मेरे उन वीडियोस को, मात्रा वाले वीडियो को, वर्णमाला वाले वीडियो को, इमला का पहला वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें ट्रिक और तरीके बताए गए हैं, इमला की समझ को बताया गया है। जब तक आपको वर्णमाला और मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक बार वह प्यास से व्याकुल था। एक बार वह प्यास से व्याकुल था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। पूर्णविराम। तभी उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। तभी उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। लेकिन घड़े में थोड़ा पानी था। लेकिन घड़े में थोड़ा पानी था। वह उसे पाने में असमर्थ था। वह उसे पाने में असमर्थ था। पूर्णविराम। फिर उसने एक उपाय सोचा। फिर उसने एक उपाय सोचा। वह पत्थर के टुकड़े लाकर घड़े में वह पत्थर के टुकड़े लाकर घड़े में डालना शुरू किया। वह पत्थर के टुकड़े घड़े में डालना शुरू किया। पूर्णविराम। धीरे धीरे, योजक चिन्ह लगेगा, धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। पानी पीकर कौवा सुखी हुआ। पानी पीकर कौवा सुखी हुआ। पानी पीकर कौवा सुखी हुआ। पूर्णविराम। परिश्रम से सब संभव होता है। परिश्रम से सब संभव होता है। परिश्रम से सब संभव होता है। इच्छा मात्र से नहीं।
परिश्रम से सब संभव होता है, इच्छा इच्छा मात्र त्र मात्र से नहीं। फिर एक नई श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।